ज्योति और आलोक मौर्य के मामले को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी। बहस का मजबून सिर्फ एक था, कौन सही कौन गलत। हालांकि दलील हमेशा ज्योति मौर्य की ओर से ये आई कि ये उनका निजी मामला है और निजता का अधिकार देश का संविधान उन्हें देता है। लेकिन चूंकि ये मामला अदालत से लेकर जांच कमेटी की तफ्तीश का भी मुद्दा बन गया था, इसीलिए निजता का तर्क शायद बहुत धारदार नहीं था। ऐसे में समझना ये भी होगा कि कहानी के पीछे की कहानी क्या थी। कहानी के पीछे की कहानी, उत्तर प्रदेश के पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य विवाद में सबसे अहम मोड़ 3 हफ्ते पहले आया। दोनों के बीच जब तनातनी चरम पर थी, सोशल मीडिया पर उबाल था। सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बना दी, कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया, आलोक की पेशी भी हो गई। लेकिन तभी वो हो गया जो किसी की समझ में नहीं आया। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में समझौता हो गया। समझौते के बाद जांच कमेटी के सामने आलोक मौर्य पेश हुए। जांच कमेटी के दफ्तर में करीब आधे घंटे तक आलोक मौर्य मौजूद रहे। उन्होंने जांच कमेटी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत वापस ले ली। इसके बाद आलोक मौर्य ने कहा कि वो सोच समझकर शिकायत वापस ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने पति पत्नी के बीच समझौता कराया था। आलोक मौर्य की ओर से शिकायत वापस ले जाने के बाद अब एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य के बारे में भी कयास लगने लगे हैं कि वो अब आलोक के खिलाफ पुलिस में की गई शिकायत वापस ले सकती है। पूरे मामले में ये ऐसा मोड़ था जिसने सबको सन कर दिया था। जांच कमेटी गठित करने का जो मकसद था वो ही फेल कर दिया गया। जाहिर है इससे ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिली। एक्स्ट्रा मैरिटल केस में तो कानूनी तौर पर कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि आईपीएस की धाराओं में ऐसा कुछ नहीं जो इसे अपराध माना जाए। लेकिन करप्शन के आरोप ज्योति मौर्य के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं थे। उधर ज्योति मौर्य ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। आलोक मौर्य ने पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायत में 32 पन्ने की एक डायरी सौंपी थी। डायरी में कथित तौर पर लाखों के लेन देन का ब्यौरा दर्ज था। शासन के निर्देश पर मंडलायुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। प्रयागराज मंडल के एडिशनल कमिश्नर प्रशासन अमृतलाल बिंद को जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रयागराज के एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे और एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट जसप्रीत कौर इस कमेटी की सदस्य थी। लेकिन ये पूरी कवायद नाकाम रही। जब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का समझौता हो गया करप्शन के मामले को लेकर, तो सवाल ये भी उठने लगे कि क्या आगे दोनों पति पत्नी एक ही परिवार की तरह रहेंगे। इसको लेकर भी सवाल बने रहे। पति पत्नी और वो की स्टोरी में होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे का नाम भी सामने आ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि फिलहाल यूपी के महोबा में पोस्टेड होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ दर्ज केस भी जल्द खत्म होने वाला है। आलोक मौर्य के आरोपों के बाद मनीष दुबे के खिलाफ जांच चल रही थी। खबरें सामने आ रही है कि जांच में मनीष दुबे पर अनियमितता करने और विभाग की इमेज पर बट्टा लगाने का कोई सबूत नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि अब जबकि ज्योति मौर्य पहले ही केस से बाहर आ चुकी है और मनीष दुबे भी फ्री है, तो ये दोनों की बड़ी जीत होगी। ज्योति मौर्य मीडिया को दिए इंटरव्यू में मनीष दुबे के साथ रिश्ते कबूल चुकी हैं। ज्योति मौर्य ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी के साथ नई जिंदगी शुरू करना कुछ भी गलत नहीं है और वो मनीष दुबे के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से पहले ही तलाक की मांग कर चुकी है और अब जैसे ही मनीष दुबे के खिलाफ केस खत्म होता है उनका नई जिंदगी शुरू करने का सपना जल्द पूरा हो पाएगा। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की 2 बेटियां भी है। ज्योति मौर्य ये साफ कर चुकी है कि वो अपनी बेटियों को अपने साथ रखना चाहती है। दूसरी तरफ मनीष दुबे भी अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं। स्पेशल एडिशन में आज का सफर यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी नई खबर, नए मुद्दे, नई घटना से जुड़े तमाम पहलुओं पर पूरी पड़ताल के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ।